हमारी एक आदत हो गई है, जब तक कोई हमसे इंग्लिश में कुछ न बताए या जब तक कोई चीज़ कनाडा में अमेरिका में ना हो, तब तक हम उस पर विश्वास नहीं करते, उसे ऑथेंटिक नहीं मानते। मैंने लगभग 2 महीने पहले बात की थी कि किस तरीके से मंदी आएगी आने वाले समय में, और इस बार जो भयानक मंदी आएगी वो जो पिछले रिसेशंस आए हैं, पिछली मंदी जो आई है उनसे काफ़ी ज़्यादा होगी, और इसका असर भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अक्सर भारत में लोग ये कहते हैं कि 2008 में मंदी आई, उसके पहले 1990 के आसपास का जो समय था, जो मंदी आने वाली थी, उनका इतना ज़्यादा असर भारत में नहीं दिखा था। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मंदी अब 2023 में आने वाली है, इसका असर भारत में क्या होगा, इस पर भी मैंने बात की थी, और इस बार असर होने वाला है। क्योंकि अगर हम 2008 की बात करें या उससे पहले की बात करें, तो भारत के लोगों के पास सेविंग्स होती थी, उनका जो कैशलेस ट्रांजेक्शन है या जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है वो इतना ज़्यादा नहीं होता था। उनके पास एक फिजिकल हार्ड कैश हुआ करता था, खर्च करने के लिए सेविंग्स हुआ करती थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट और वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं वो ये कहती हैं कि पूरी दुनिया में लोगों की सेविंग्स घट रही हैं। और इस पर अगर आप देखें तो 2008 से लेकर 2022, मतलब ये जो 13-14 साल का पीरियड है, और या मैं कहूँ पिछले जो 7-8 साल का पीरियड है, उसमें सबसे ज़्यादा जो कमी आई है वो लोगों की सेविंग्स में आई है, और जो कैशलेस ट्रांजेक्शन है वो बढ़ी है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको मंदी से थोड़ा बहुत डरना चाहिए या उसके लिए तैयारी करनी चाहिए? अब कुछ लोग ये कहेंगे कि ये चीज़ें तो करवाई जा रही हैं, इंटेंशनली करवाई जा रही है, लोगों की जेब से पैसा निकालने के लिए, लोगों की नौकरियां छुड़वाने के लिए। मैं ये कहता हूं कि ये करवाई जा रही है या ये ऑटोमेटिकली हो रही है। समस्या आप समझिए कि ये हो रही है, दिक्कत ये है। तो अगर ये चीज हो रही है और अगर आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि समाधान आपके पास बचता है कि आपको इस चीज की तैयारी कर लेनी चाहिए। अब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने कह दिया है कि 2023 में जो मंदी आने वाली है वो लगभग तय है, और ये ग्लोबल रिसेशन होगा। ये किसी भी 1, 2, 5 देश में नहीं होगा, ये ग्लोबल रिसेशन होगा। पूरी दुनिया में इस रिसेशन का असर दिखेगा, और भारत में भी दिखने ही वाला है। पूरी दुनिया के देश में जितने भी बैंक है वो लगातार एक साथ मिलकर अपनी रेपो रेट बढ़ा रहे हैं। अमेरिका के जो बैंक्स हैं उनमें जो रेपो रेट है वो इतनी है जो पिछले 30 से 40 साल में नहीं देखी गई है। वर्ल्ड बैंक खुद ये कह रहा है कि इस बार जो मंदी आएगी वो बहुत भयानक होगी, ऐसा 50 साल में भी नहीं देखा गया है, पिछले 50 साल में भी नहीं देखा गया। तो क्या आपको नहीं लगता कि 2008 में जो मंदी आई थी, अगर उससे आपको असर नहीं पड़ा तो इस बार भी नहीं पड़ेगा? मुझे लगता है आपको एक बार फिर सोच लेना चाहिए। अगर रेपो रेट बढ़ रही है, अगर जेब से पैसा निकलेगा, तो यकीन मानिए उससे जो आने वाला फेज है वो मंदी का ही फेज है। और गवर्नमेंट्स और बैंक्स और ये सभी कह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक ने साफ कर दिया है कि आप कितनी ही रेपो रेट बढ़ा लीजिए आप इस महंगाई को कम करने के लिए, लेकिन आने वाले समय में 2023 में आप मंदी को नहीं रोक सकते, रिसेशन को नहीं रोक सकते। आपको अगर इसको रोकना है, मैं ऑफिशियल टर्म्स के ऊपर बात कर रहा हूं, अगर आपको इसको रोकना है तो आपको प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे, तो शायद आप इस मंदी के असर को कम कर सकते हैं। इसीलिए जो देश है या देश की सरकारें हैं वो अभी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग पर बात कर रही हैं कि वो किस तरीके से अपने देशों में प्रोडक्शन बढ़ाए चीजों का, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाए, ताकि जो सप्लाई है उसकी डिमांड, जो डिमांड आ रही है उसकी सप्लाई कंटिन्यूअस होती रहे, और जो रिसेशन का फेज है वो कम हो जाए। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने यहां तक कह दिया है कि जो आप रेपो रेट बढ़ा रहे हैं उससे आपको लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स दिखने वाले हैं वर्ल्ड की इकोनॉमी में, देश की इकोनॉमी में नहीं, वर्ल्ड की इकोनॉमी में आपको साइड इफेक्ट्स दिखने वाले हैं। आज बेशक से एक तरफ बात की जा रही है कि 2030 तक हम ब्रिटेन को पीछे छोड़ देंगे, 2050 तक हम जापान की इकोनॉमी को पीछे छोड़ देंगे, लेकिन क्या सही मायने में ग्राउंड लेवल पर चीजें बदल रही हैं? क्योंकि पिछले 2 साल से लोगों ने नौकरियां खोई हैं, और एक ये एक ऐसा फेज है, अलग अलग रिपोर्ट्स हैं देशों की, वो ये कह रही हैं कि जो लोग स्किल्ड लेबर थे, स्किल्ड जॉब्स थी, जिनकी एक परमानेंट जॉब थी, उनकी भी जॉब्स गई हैं, और उसके साथ साथ अब वो कभी भी दोबारा ऐसी जॉब नहीं पकड़ पाएंगे। इसके साथ साथ जो रिसेशन है और जो उनका लाइफ स्टाइल है वो कभी के लिए डाउन चला गया है, अब वो पूरी जिंदगी इस चीज से नहीं उबर सकते जो नुकसान उन्होंने पिछले 2 साल में हुआ है। ये रिपोर्ट ना तो कभी बाहर आती है और ना ही लोगों तक
ना ही ऑफिशियल लोगों तक कभी पहुंच पाती है, और पहुंचती भी है तो उन पर ज्यादा असर नहीं हो रहा है क्योंकि एक दूसरी तस्वीर हमें दिखाई जाती है। तो जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं सच्चाई उससे काफी दूर है। और एक बात चल रही है कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बजाय अगर आप ये देखें कि हमें सही मायने में रिसेशन का, मंदी का असर अपने देश में कम करना है, तो हमें फीजेबल फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर काम करना होगा। हो सकता है चाइना में, अमेरिका में कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है, वहां पर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, कोई भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री लग रही है, तो ये नहीं है कि वो इंडिया में भी वो इन्वेस्टमेंट फिजेबल होगी। आप उसको यूं की तो उठाकर कॉपी नहीं कर सकते हैं। हमें ये देखना होगा कि हमारी जो देश है उसमें की इकोनॉमिक्स में वो इन्वेस्टमेंट कितनी ठीक बैठती है, यहाँ के लोगों के लिए वो कितनी ठीक बैठती है। ऐसा तो नहीं है कि आप एक बार इन्वेस्टमेंट करके फिर यहाँ से पैसा लेकर ही जा रहे हैं, यहाँ का पैसा बाहर ही जा रहा है। तो हमें फिजेबल फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर बात करनी होगी। अब देखिए, लगातार अगर बैंक बढ़ाए जा रहे हैं तो इतना तो तय है कि वो आने वाले है, वो ग्लोबल रिसेशन आने वाला है। और जैसा कि मैं पहले की वीडियो में डिटेल में बात कर चुका हूं कि आपको इसको काउंटर करने के लिए देखना होगा कि आप पर इसका असर कितना कम हो सकता है और वो कैसे हो सकता है। आपको अपनी जेब में पैसा रखना होगा ताकि जो 2023 का समय आएगा, ताकि आप उस समय उसको यूटिलाइज कर सके। जो भी फिजिकल चीजें आपके पास होंगी वही आपका सहारा बन सकती है। डिटेल के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।